इस बीच जयपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी का त्योहार है और इस उत्सव में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी शामिल हुई हैं। कुछ कह रही हैं वे इसके लिए, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन है, हाई सीजन है अभी, तो बहुत सारे टूरिस्ट भी इन चीजों से आकर्षित होते हैं, उनको भी हमारे कल्चर के बारे में और जानकारी मिलती है, तो बहुत अच्छा है। पर्यटन विभाग आगे और भी इंतजाम करेगा, बहुत कुछ करेगा। ऐसे भी जो क्षेत्र हैं जो जहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते लेकिन पोटेंशियल है कि वहाँ पर भी हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए, उन पे भी फोकस किया जाएगा। और जहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट जाता है वहाँ पर व्यवस्थाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जहाँ भी टूरिस्ट जाए वहाँ सिर्फ मॉन्यूमेंट तो देखता ही है वो, लेकिन उस मॉन्यूमेंट में फैसिलिटीज क्या है, वहाँ साफ सफाई कैसी है, वहाँ और चीजें भी कैसी है, क्योंकि टूरिस्ट आज कल जो टूरिस्ट है वो सिर्फ जगह देखने नहीं आता, मॉन्यूमेंट को देखने नहीं आता, वो तो देखने आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो पूरा एक्सपीरियंस उसका होता है, जो पूरा ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत जरूरी है, तो उस पर भी फोकस किया जाएगा। हर तरीके से राजस्थान को टॉप पे लिया जाएगा, फिर से राजस्थान आज टॉप 5 में तो है लेकिन टॉप फर्स्ट नहीं है, तो फर्स्ट में राजस्थान को लाना, फिर से राजस्थान में इतना कुछ है देखने को, इतना टूरिस्ट आता है, लेकिन हम और ज्यादा टूरिस्ट को कैसे लेकर आए। जयपुर आता है तो सिर्फ 1 या 2 रात क्यों रुकता है, 4 रात क्यों नहीं रुकता, वो भी अगर और जगह हम लोग डेवलप कर सकते हैं तो सब लोग मिलकर इस पे काम करेंगे। पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग मिलकर कई ऐसे जो मंदिर है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनको भी सुधार, बिल्कुल ऐसे हमारे बहुत सारे स्थल है जहाँ पर हमारे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, उनपे भी हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे सब जो दर्शन करने आते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं अच्छी कैसे कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन जगहों को भी, उन स्थलों को भी और ज्यादा टूरिस्ट के लिए आकर्षित कैसे बनाया जा सकता है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। इस तरह की जो फेस्टिवल होते हैं राजस्थान की विरासत को दर्शाते हैं, तो समय समय पर ऐसे प्रोग्राम होते हैं। इन फेस्टिवल्स को भी अब आगे हम लोग और कैसे और ज्यादा भव्य कैसे बनाया जा सकता है, इन फेस्टिवल्स को और क्या चीज इसमें इंक्लूड की जा सकती है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। मैंने तो अभी ही डिपार्टमेंट में मैं आई हूँ तो शुरुआत ही है, अभी आगे इसमें बहुत अच्छा। मैडम 22 जनवरी की क्या तैयारी है मंदिरों में, खास तौर से सरकार ने खास इंतजाम करने के लिए कहा है? हर प्रकार से सभी मंदिरों में भी हम लोगों ने ये भी तैयारी की है कि टूरिस्ट तो हमारे सारे डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्थल है, वहाँ पर भी हम लोग दिए लगाए और एक दिवाली की तरह सभी जगह पूरे राजस्थान भर में इसको मनाया जाए। टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें जुड़कर काम करेगा, लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पूरे हमारे जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर भी लाइटिंग भव्य होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ के साथ वहाँ डेकोरेशन हो, पूरा दिवाली की तरह हम लोग उन सभी जगहों को डेकोरेट करें, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या पधार रहे हैं तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम सब उसको दिवाली की तरह मनाने वाले हैं।